हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आप लोग देख रहे हो मुझे गाड़ी में। तो मैं अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 10 बजे हैं और हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल चंडीगढ़। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी सासू माँ बहुत बीमार है, तो उनको चंडीगढ़ एडमिट किया गया है और उनकी जो हालत है वो खास अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे पास रात के 1 बजे कॉल आई थी डॉक्टर की कि मम्मी को वेंटिलेटर पे रखना है। वैसे तो मेरे जेठ जी थे उनको देखने के लिए, बट हमको भी जाना था, लेकिन बच्चे घर पे थे और बच्चों को कहाँ छोड़ते, तो इसलिए हमने सुबह की वेट करी और सुबह 6 बजे बच्चों को उठाया, तैयार किया, स्कूल भेजा और उसके बाद हम लोग फटाफट से आ गए। फिलहाल हम अभी पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ और होप सो कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, क्योंकि अब मैं इनके साथ इसलिए आई ना कि मुझे संतुष्टि रहेगी, मैं इनके साथ रहूंगी, तो नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसा है क्या है। और बस देखते हैं वहाँ जाके सिचुएशन कैसी रहती है, बस दुआ करते हैं कि आप लोग भी दुआ करना कि सब ठीक रहे। बस ब्लड की प्रॉब्लम पड़ रही है फ्रेंड्स, वैसे मेरा खुद का ब्लड भी है लेकिन। तो ये हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, वो चंडीगढ़ पंचकुला में अल्केमिस्ट करके है ये, और मैंने मम्मी से मिल चुकी हूँ और फिलहाल ना हम अभी बस ब्लड के लिए डोनर को ढूंढ रहे हैं कि डोनर फटाफट से मिल जाए। तो बस अभी मम्मी से जस्ट ही मिला और बस क्या बोलूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मम्मी से मिलने की। सो फ्रेंड्स, हम लोग ना यहाँ पे ब्लड के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं, ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ब्लड बैंक में भी नहीं मिल रहा है और जितने भी डोनर्स हैं ना वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ना बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और मैं सोच रही थी कि मैं दे दूँ, कि इसलिए हम मतलब टेंशन फ्री थे, लेकिन मेरे को फ्रेंड्स थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसलिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया। थैंक यू भैया। फाइनली बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स से डोनर मिले और ये भैया ने ना अपना ब्लड दिया, तो थैंक यू सो मच भैया और भगवान जी इनको बहुत लंबी उम्र दे। बहुत मुश्किलों के बाद हमको आज ब्लड मिला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली ब्लड मिल गया है, तो अब मम्मी को ब्लड चढ़ाएंगे हम लोग ना। और यहाँ पे सच में मम्मी की जो हालत है ना उसको देख कर बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में हमने उनको कभी ऐसे देखा ही नहीं कभी इस तरीके से ना, अभी उनको ऐसे ICU में देखा ना तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और तो हमने उनको देखा बट इस तरह से नहीं देखा था कभी, पूरी पाइपें लगी हैं उनके नाक में मुंह में और वो वेंटिलेटर पे हैं। तो बस ये दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए। फिलहाल ब्लड मिल गया है और अभी ब्लड चढ़ाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसी कंडीशन रहती है। अब एक बार वेंटिलेटर से बाहर निकल जाते हैं ना, ICU से बाहर निकल जाते, थोड़ा मन में सेटिस्फाई रहता। सो फ्रेंड, रात की बजे हैं इस वक्त। क्या हुआ? बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कर लो पीछे। ना कर देता हूँ पीछे, क्यों करना, गिरेंगे नहीं ना। ठीक है, हो गया। तो रात के बज रहे हैं फ्रेंड 10 इस वक्त, और हम ना अभी फिलहाल, मैंने आपको दिखाया था अंदर तो स्पेस नहीं है वहाँ पर, और हम फिलहाल फ्रेंड्स आ गए हैं कार में, क्योंकि मम्मी हैं जैसे कि ICU में और फिर वहाँ पर अलाउड नहीं है किसी को भी बैठने का, और अंदर ना कहीं भी है ही नहीं जगह, बिल्कुल भी नहीं। एक सोफ़े जैसे हैं वहाँ पर, लोग काफ़ी हैं तो उन्होंने कवर कर लिया, और हमारे पास इतना ज़्यादा बिस्तर भी नहीं है। हम लोग बस एक ब्लैंकेट लेके आए थे, एक स्लीपिंग बैग, तो उसमें वो नीचे नहीं लगा सकते, नीचे टाइल काफ़ी ठंडा है। तो फिलहाल आज की रात निकालते हैं गाड़ी में, कल का सूरज जो है वो गुड न्यूज़ लेके आए और सब कुछ अच्छा होगा कल के दिन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं और सोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजे हैं इस वक्त 7 और हम यहाँ पे उठ गए हैं, रात को सोए थे पर बहुत ठंड हुई और बाहर पूरा धुंध ही धुंध है, और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, सोचा भी नहीं था आज हॉस्पिटल में बोलेंगे आज हैप्पी बर्थडे, बट चलो कोई बात नहीं। क्यों? हाँ जी, बस मम्मी ठीक हो जाए, बर्थडे बर्थडे तो करते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। और बस ये है कि आप भी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिलहाल अभी तो ICU में ही है, अगर बाहर ऐसा है मौसम धुंध ही धुंध। लाए दो फ्री चाहिए जुई, और हमने बुक कराई है देखो होटल इसमें रात होटल बुक कराई, और नज़दीक यहाँ पर कोई होटल भी नहीं है कि होटल चले जाओ, जा भी नहीं सकते, अगर एकदम से फ़ोन आ गया तो फिर जाना पड़ेगा, फिर इसलिए हम लोग यहीं पर ही सो गए फिर। ट्राई करी आपने? हाँ, खाली। और बाहर फ्रेंड्स क्लाइमेट ना देखो इतना है, यहाँ पर भी काफ़ी ठंड है, धुंध है काफ़ी यहाँ पे भी ना,
पूरा देखिए यहाँ पे, मतलब फॉग ही फॉग है यहाँ पे। और मेरा तो ना फिलहाल फ्रेंड्स ऐसा था कि मेरी कज़न का घर ना इधर ही है, थोड़ा सा ना थोड़ा दूर है यहाँ से, बट ये था कि प्लान घर से ये था कि ये तो मैं अपनी कज़न के घर चली जाऊँगी या मेरी फ्रेंड की बहन का घर है इधर ही ना पंचकुला में, तो फिर मैं सोचा वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन मम्मी की कंडीशन इतनी ख़राब थी और ऊपर से मेरे हस्बैंड ना बस बहुत नरम दिल के हैं, वो सिर्फ नाम के फ़ौजी हैं, वो बहुत नरम दिल के हैं, वो नहीं देख सकते, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनके साथ ही रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि कम से कम साथ रहूँगी तो इनको भी सहारा मिलेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स हालात के हिसाब से इंसान सीख ही लेता है, अभी बस हालात ऐसे हैं, बस मम्मी ठीक हो जाए उसके बाद तो फिर घर ही जाना है, आराम से सोना है, आराम से बैठना है। चलो आज गाड़ी में ही रहे पूरी नाइट, वैसे इतनी दिक्कत नहीं हुई सोने में तो, बट ये था कि ठंड बहुत ज़्यादा लगी मेरे को, तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना। अभी फिर बाद में इन्होंने मुझे स्लीपिंग बैग दिया अपना, स्लीपिंग बैग ना ये फौज का स्लीपिंग बैग होता है, बहुत गर्म होता है ये, तो फिर ये जब दिया ना इन्होंने मुझे बाद में, तो तब जाके मेरी बॉडी गर्म हुई, वरना तो इतनी ठंड लग रही थी मेरी पूरे हाल और। बस होप सो आज का दिन अच्छा निकले, बस यही उम्मीद करते हैं। और अभी फ्रेंड्स से सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं आई मम्मी से मिलने के लिए आईसीयू में, और मम्मी अभी भी वेंटिलेटर पे है, तो अभी मम्मी आंखें वगैरह खोल रहे हैं, कल से कंडीशन थोड़ी सी ठीक है, कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, आज भी वेंटिलेटर पे तो है, बट ये कि पहले से थोड़ा सा मम्मी आंखें वगैरह खोल रहे हैं, हल्का सा इशारा भी कर रहे हैं, तो हाथ पाथ चला रहे हैं अपने, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अभी 2-4 घंटे देखते हैं, अगर सही रहा तो फिर वेंटिलेटर से मम्मी को हटा दें। और ऐसी पाइपें वगैरह लग रही है ना फ्रेंड्स, मतलब इतना बुरा लग रहा था ना मम्मी को देख के, कि इंसान का कैसा होता है ना कि एक टाइम पे ऐसे हालात हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और अभी मम्मी का जो है वेंटिलेटर से उनको निकाल दिया है, और वैसे तो आईसीयू में ही है बट पहले से थोड़े बेटर हैं, तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि जब उनके वो जो सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तब उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट करेंगे, बट अभी फ़िलहाल आज तो उनको आईसीयू में रखेंगे, और देन उसके बाद फिर कल देखते हैं कि कैसा होता है। होप्स हो कि जैसे वेंटिलेटर से उनको निकाल लिए वैसे आईसीयू से भी बाहर निकाल लें और कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, यही दुआ करते हैं। ठीक छो पहले से? हाँ ठीक छो, सब ले पूछ रहे थे ना कस्तो छे कस्तो छे, ठीक हो अब आप, पहले से फ़र्क है ना। सो फ्रेंड्स श्याम बाबा की कृपा से और आप लोगों की दुआएं से ना मम्मी का जो है वेंटिलेटर से अब हट गए हैं, है तो आईसीयू में बट पहले से बहुत रिलैक्स हैं, अभी तो इशारा भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मम्मी ने स्माइल भी करी थी और रिस्पांस भी कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे जी, हेलो, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, क्या बर्थडे, बस मेरी माँ ठीक हो जाए वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं सब तो ठीक हो गया, मम्मी थोड़ा सा, हाँ जी आप थोड़ा ठीक हो गए, आज की इस बार के बर्थडे में सिर्फ यही, इसी से काम चलाओ। थैंक यू सो मच, ठीक है। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मम्मी अभी काफ़ी बेटर हैं पहले से, और अब जाके रिलैक्स हुआ है तो अभी भी आईसीयू में बट काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं और वेंटिलेटर से हट गए हैं, और मास्क वगैरह जो भी था ऑक्सीजन मास्क वगैरह उनका अभी निकाल दिया है, फिलहाल थोड़ी देर तक उनको आईसीयू में रखेंगे क्योंकि कंडीशन वैसे एकदम से भी उनको वार्ड में रख नहीं सकते हैं ना, अभी रखेंगे, आज डॉक्टर बोल रहे हैं कि आज पूरी नाइट रखेंगे आईसीयू में, बिल्कुल नॉर्मल रहते तो फिर कल डालेंगे उनको फिर वार्ड में, तो अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है, वरना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है। और श्याम बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है हमारे ऊपर जो उन्होंने हमारा साथ दिया, और आप लोग की भी दुआएं हैं, आप लोगों ने जो प्रार्थना करी होगी मम्मी जी के लिए, सो थैंक यू दिल से श्याम बाबा, दिल से थैंक यू, और आप सभी का भी दिल से थैंक यू।